हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज जो मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो होने वाला है अंडर 50 रुपीज़। येस, सो मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनका प्राइस है अंडर 50 रुपीज़। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपीज़ से एक्सटेंड नहीं हो रहा है। सो मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, एंड अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गिव अ थम्स अप और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज मॉइस्चराइजिंग योर फेस। सो मॉइस्चराइजर के लिए मेरे पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज दिस ब्यूटी बास्केट का मॉइस्चराइजर, दिस इज फ्रूट क्रीम, एंड द सेकंड वन इज दिस रोजा कोल्ड क्रीम। एंड ये दोनों ही जो टब हैं वो 10 रुपीज के आते हैं। सो ये ऑब्वियसली 50 रुपीज़ के अंडर है। तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी बास्केट की फ्रूट क्रीम, एंड मैं इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से डॉट करके अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी, क्योंकि जो मैं फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी लाइक 50 रुपीज़ के अंदर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकती है। सो आपको अपनी स्किन केयर पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है। द नेक्स्ट कम प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल, एंड ये इसका छोटा वाला ट्यूब है, एंड छोटा वाला ट्यूब आपको 40 रुपीज़ में मिल जाता है, बड़ा वाला 80 तक आता है। तो इसलिए मैंने ये छोटा ट्यूब लिया है ताकि ये 50 रुपीज़ के अंदर आए। तो प्राइमर आपको अपने टी जोन एरिया पर अप्लाई करना होता है, दैट इज़ आपके नोज़ की साइड का एरिया, आपका नोज़, फोरहेड और चिन, ताकि जो आपके पोर्स हैं वो अच्छे से मिनिमाइज हो जाएँ और जो आपका बेस है वो अच्छे से ब्लेंड हो। सो मैं अपने टी जोन एरिया पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वैसलीन। ये थोड़ा मीडियम साइज़ का टब है, बट जो इसका छोटा वाला टब आता है वो आई थिंक 20 या 30 रुपीज़ तक में आ जाता है। सो मैं वैसलीन की हेल्प से अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का सिग्नेचर फाउंडेशन। सो इसमें 3 शेड्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक शेड थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, एक थोड़ा सा येलोइश टोन में है, ये उनका बीच का शेड है, दैट इज़ स्किन। सो आई थिंक ये मेरी स्किन को अच्छे से सूट करेगा, एंड इसका प्राइस है 25 रुपीज़। सो यहाँ पर जो मैं टूल्स हैं उसे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 50 रुपीज़ के अंदर आई डोंट थिंक सो कोई मेकअप ब्रशेज़ के टूल्स आते होंगे अच्छी क्वालिटी में। सो मैं टूल्स इस टाइम पर अपने ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने फाउंडेशन अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया, देन मैं अपने पैक के फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो इस फाउंडेशन की ज़्यादा कवरेज नहीं है, कॉज 50 रुपीज़ में आप कोई कवरेज एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, बट ये मेरी स्किन टोन से भी अच्छे से सूट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा येलोइश टोन में है और मेरी स्किन इतनी येलो पेल नहीं है। तो मतलब डिसेंट वर्क कर रहा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, बट ओके वर्क कर। 50 रुपीज़ के अंदर ऑब्वियसली मुझे कोई कंसीलर नहीं मिला, तो मैं सेम फाउंडेशन को अपनी अंडर आईज पर अप्लाई करूँगी एज अ कंसीलर। इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक डैम स्पंज, और इसकी हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालया का बेबी पाउडर, और इसका प्राइस है 20 रुपीज़। सो इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। मैं इसे अपने हैंड पर ले लूँगी और एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देन ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का ब्लश, एंड इसका जो शेड है वो है शेड नंबर 5। तो इसका प्राइस अराउंड 20 to 25 समथिंग कुछ है, और इसका जो कलर है वो है बिल्कुल डार्क पिंक। एंड अगर आप इसकी पिगमेंटेशन देखो तो इसकी पिगमेंटेशन इतनी नहीं है, एंड यू कैन सी मेरे फिंगर पे कितना ज़्यादा प्रोडक्ट है, बट मेरे हैंड पे बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, बट ये चीक्स पे बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। तो मैं एक ब्लश ब्रश की हेल्प से और इसे अपने चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी। ओके, सो मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया, एंड यू कैन सी इसकी पिगमेंटेशन चीक्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो आपको एकदम बहुत सारा प्रोडक्ट लेके अप्लाई नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट लेके पहले अपने बैक ऑफ द हैंड पे टैप करना है एंड देन अपने चीक्स पर अप्लाई करना है, वरना आपके चीक्स बहुत ज़्यादा गंदे दिखने वाले इतने सारे ब्लश के साथ।
सो मैंने अपना ब्लश अप्लाई कर लिया है, देन मैं मूव करूंगी अपनी आईब्राउज पर। सो अपनी आईब्राउ के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये दो पेंसिल्स एंड ये है सेवन हेवन की तरफ से, और जो ये शेड है वो है ब्लैक एंड ये दूसरा शेड है L11 दैट इज मोका। सो मैं ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके अपनी आईब्राउज को फिल करूंगी एंड ये दोनों पेंसिल्स का जो प्राइस था वो था 30 रुपीज ईच। सो मुझे दोनों पेंसिल्स 30 रुपीज के अंदर मिल गई थी। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्राउन पेंसिल, और इस ब्राउन पेंसिल की हेल्प से मैं अपने आईब्राउज की स्टार्टिंग को फिल करूंगी, क्योंकि जो आपके इनर कॉर्नर्स होते हैं आपके आईब्राउज के वो इतने ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं, तो मैं लाइट ब्राउन की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर्स को अच्छे से फिल कर लूंगी। तो मैंने अपनी इनर आईब्रोज फिल करी है, अब मैं एक ब्लैक पेंसिल की हेल्प से अपने आउटर कॉर्नर्स जो है आईब्रोज को उनको अच्छे से फिल कर लूंगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ एक स्पूली ब्रश। आपको लोकल मार्केट में ऐसे स्पूली ब्रशेज अराउंड 30 to 40 रुपीज में मिल जाएंगे एंड इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को कॉम्ब आउट कर लूंगी ताकि जो प्रोडक्ट है वो इवन आउट हो जाए और ज़्यादा डार्क आईब्रोज ना दिखे मेरी। तो मैंने अपनी आईब्रोज को कॉम्ब कर लिया है, अब लेट्स मूव टू द आईज। सो आईज के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सेम अपना ब्लू हेवन का ब्लश एंड एक ब्रश की हेल्प से अपने पूरी आईलेट पर मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आई शेडो अप्लाई करने के लिए मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम वेगा एंड इसकी हेल्प से मैं इसे अपनी पूरी आईलेट पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप चाहो अगर आपके पास कोई आई शेडो ब्रश ना हो तो आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। सो मैं भी अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ इसे अपनी आईज पर। अपनी आईज पर आई शेडो अप्लाई कर लिया है, अब सेम आई शेडो ब्रश की हेल्प से मैं इसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना दिखे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सेम ब्लैक पेंसिल जिसकी हेल्प से मैंने अपनी आईब्रोज को फिल किया था एंड ये ब्लैक पेंसिल को मैं अपने आउटर वी पर प्लेस करूंगी। मैं ले रही हूँ एक स्मजर ब्रश, बट अगर आपके पास कोई स्मजर ब्रश नहीं है तो आप इस तरह की स्पंज टिप एप्लीकेटर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो ईयरबड्स होती हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी जो आपके आई शेडोज हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं। सो मैं इस ब्रश की हेल्प से जो मैंने अपना ब्लैक कलर अप्लाई किया है मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। मैंने आई शेडो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, लाइक आप देख सकते हैं जो इनर कॉर्नर पे पिंक कलर है और आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर है। तो आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का आईलाइनर एंड इसका प्राइस था अराउंड 25 to 35 रुपीज़, आई थिंक मुझे अच्छे से याद नहीं है कि इसका प्राइस कितना था। तो मैं इसकी हेल्प से एक कैट विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी और बहुत ही थिक आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। तो इसकी आप टिप देख सकते हैं, इसकी टिप बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है और जिसकी हेल्प से बहुत ही ज़्यादा आप अच्छा विंग लाइनर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसकी हेल्प से एक कैट विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। मैंने अपनी दोनों आईज में अपना आईलाइनर ड्रॉप कर लिया है, अगर आप चाहो तो आप इस लुक को यहीं पर ख़त्म कर सकते हो, बट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिस रोज़ का गोल्डन आईलाइनर और इसका प्राइस है अराउंड 50 रुपीज़। सो ऑब्वियसली 50 रुपीज़ के अंदर ही पड़ेगा एंड इसकी हेल्प से मैं अपने ब्लैक आईलाइनर के जस्ट ऊपर एक गोल्डन आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। मैं अपनी दोनों आईज पर ये गोल्डन आईलाइनर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, देन मैं ले रही हूँ ये सेवन हेवन की पेंसिल जिसमें मैंने अपनी आईब्रोज को फिल किया था एंड मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी, अपनी बॉटम लाइन पर नहीं लगाऊंगी एंड मैं इसे बहुत लाइट हैंड से लगाऊंगी, बिल्कुल डार्क नहीं करूंगी। देन इस पिंक शेड की हेल्प से मैं अपने ब्राउन शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ओके सो मेरा आई मेकअप अच्छे से कंप्लीट हो गया है एंड अभी मेरे पास कोई मस्कारा नहीं है, वरना ब्लू हेवन के मस्कारास आते हैं 50 रुपीज़ के अंडर, बट मेरे पास वो नहीं है। सो अगर आपके पास मस्कारा ना हो तो जो आपके पास आईलाइनर है आप उसे अपनी स्पूली पर अप्लाई करके अपनी लैशेज को अच्छे से कोट कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पर वही चीज़ करूँगी, तो मैं अपनी स्पूली के ऊपर इस तरीके से अपना आईलाइनर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपनी एंड इसे मैं अपनी आईलैशेज पर अप्लाई कर लूँगी।
ओके सो मेरा आई मेकअप अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है, देन मूव करेंगे अपने हाइलाइटर पे. सो 50 रुपीज़ के अंदर आई डोंट थिंक सो कोई हाइलाइटर आपको अच्छा मिलेगा. सो आप इस तरह की लूज पिगमेंट्स यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनमें कलर रेंज जो है वो अवेलेबल होती हैं. सो मैंने यहाँ पर लिए ये सिल्वर कलर की शिमर डस्ट और इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी. तो आप देख सकते हो इससे फेस पर कितना अच्छा ग्लो आ रहा है. मैं इसे अपने फोरहेड, अपने ब्रिज ऑफ द नोज, अपनी चिन और अपनी क्यूपिड वो पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. सेम शिमर डस्ट की हेल्प से मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी. तो मेरा फेस मेकअप पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है. एंड लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी कैमियो की लिपस्टिक और इसका शेड नंबर है 15. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर है और इसकी हेल्प से मैं अपने लिप्स पर अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी. एंड वी आर डन.